हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगुकिया, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार। आज हम लेने वाले हैं जो कमेंट बॉक्स में आपके जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से एक सवाल। यहाँ पे जो सवाल है कि उनकी जो उम्र है 36 ईयर्स है और प्रीवियस 3 LSCS हुए हैं और काफ़ी समय से कमर में दर्द हो रहा है और कुछ काम भी, रूटीन जो काम है वह भी नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले तो ये जो क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछा है उन्होंने और थोड़ा डिटेल बताया है कि तीनों सिजेरियन जो है उसके बीच में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल का ही गैप था। काफ़ी जल्दी जल्दी तीनों डिलीवरीज उनके हुए हैं, कंसीव काफ़ी फास्ट हुआ है। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यह पेशेंट को भी वही लगता है कि शायद सिजेरियन की वजह से ही उनको कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि सिजेरियन के दौरान कमर में इंजेक्शन दिया जाता है। सो यह चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि सिजेरियन की वजह से या तो ड्यूरिंग सिजेरियन, सिजेरियन के पहले जो कमर में इंजेक्शन दिया जाता है जिसको स्पाइनल एनेस्थेशिया बोलते हैं, इसकी वजह से आपको कमर में दर्द नहीं हो रहा है। आपका जो कमर में दर्द हो रहा है उसके पीछे दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है। पहले तो आपके 3 सीज़र हुए हैं, यानी 3 डिलीवरीज, तीनों बच्चों को आपने, जहाँ तक मैं मानती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाया ही होगा। तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपके बॉडी में से कैल्शियम लॉस होता है और इसलिए पेशेंट को यहाँ से हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल में तो स्पेसिफिकली समझाया जाता है कि आफ्टर डिलीवरी आपको 3 महीना कैल्शियम एंड आयरन सप्लीमेंटेशन लेना ही लेना है। प्लस रेगुलर आपको जो एक्सरसाइज वगैरह बताए जाते हैं पोस्ट नेटल पीरियड में वह भी आपको करने हैं। प्लस यहाँ पे आपने बताया कि 36 एज है, तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है या तो ईस्ट्रोजन जो हार्मोन रहता है उसकी मात्रा भी कम होने लगती है और आपके बॉडी में आपके जो बोन्स वगैरह हैं वह भी वीक हो सकते हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि आप रेगुलर कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी एक बार दिखा के चेकअप करवा सकते हैं ताकि और दूसरे कोई मेजर इश्यूज नहीं है वो भी रूल आउट हो सकता है। लेकिन आपके माइंड में से निकाल दीजिए कि ये सिजेरियन की वजह से आपको कमर में दर्द हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।